हेलो दोस्तों, आज मार्केट में बहुत बड़ी और मतलब बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई है दोस्तों। इसके पीछे राज क्या है? तो दोस्तों, आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ा जो है मतलब कि रिलीफ के लिए पैकेज अनाउंस किया है, जिसके दम पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों जो 50 रुपीज़ के आसपास आते हैं, कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो 30 रुपीज़ के आसपास आते हैं, उनमें आपको देख सकते हैं 20-20% का आपको अपर सर्किट दिखते हुए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, 20-20% का आपको अपर सर्किट मिल रहा है। और वैसे भी मान लीजिए कोई अगर बड़े स्टॉक भी हैं तो उसमें भी आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम आज के डेट में इस अपर सर्किट को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किस न्यूज़ की वजह से और क्या वजह क्या था, क्या आपने भी जो स्टॉक खरीदा है अपने पोर्टफोलियो में रखा है, क्या उसमें भी आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पूरे वीडियो में न्यूज़ के बारे में ही बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले अगर दोस्तों किसी चीज़ में कटौती होती है, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए टैक्स हो या कुछ भी हो दोस्तों, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी चीज़ में ऐसा किया जाता है जिससे बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहला चीज़ दोस्तों होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स होता है दोस्तों, टैक्स में अगर टैक्स को कट कर दिया जाता है तो बिज़नेस को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। तो उसी तरह आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी ने बिज़नेस, जितने भी बिज़नेस में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, टैक्स फाइलिंग डेट एक्सटेंडेड, मतलब कि दोस्तों जो टैक्स फाइलिंग डेट था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी किसी भी कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई भी मतलब ये कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि सारे कंपनी जितने भी बिजनेस है दोस्तों सब लॉस में चल रहे हैं और लॉस मेकिंग बन चुके हैं। हालाँकि दोस्तों वो टॉप क्लास या ब्लू चिप में आते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो कोरोना वायरस की वजह से लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो उनको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो टैक्स में उनको बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ दिया, डेट दिया गया। ठीक है, वहाँ एक्सटेंडेड जितने भी डेट थे उनको बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पर हो सकता है कि उनको और भी ज़्यादा टाइम मिले, जिसके उनको अच्छा से अच्छा जो है टाइम मिल जाए। ठीक है, ये पहला न्यूज़ था। उसके बाद दोस्तों अब ATM के ऊपर आ चुका है। ठीक है, एक मिनट, और बिजनेस रूल ईजीएस्ट, मतलब कि दोस्तों जितने भी बिजनेस रूल थे एंड रेगुलेशन थे, ठीक है, उनको ईजी कर दिया गया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है आधार कार्ड से तो वहाँ पर आपका काम रुक जाता था। तो आज के डेट में उसको भी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, 2 या 3 महीने के आसपास और टाइम दे दिया गया है, आप उतने टाइम के अंदर और भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बताया गया दोस्तों, और जितने भी बिजनेस के रूल थे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आता था वो सबको इजी कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पर बताया गया है ATM के बारे में। ठीक है, ATM बैंक, ठीक है दोस्तों, चार्जेस, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है आप किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकालो, आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, पहले तो एक ये भी था कि आप केवल 5 टाइम्स ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो केवल 5 टाइम्स ही निकाल सकते थे, लेकिन अब दोस्तों आप कितने भी बार निकालो आपको कोई भी मतलब कि चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी पब्लिक को कुछ रिलीफ मिला है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, इसी के वजह से आज जो मार्केट में आपको बहुत बड़ी और अच्छा आपको जो है रिलीफ देखने को मिला है, और एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। और एक चार्ज अगर कोई भी आप देख सकते हो, और एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, मैं आपको थोड़ी पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट एक बड़ी न्यूज़ ये है, अगर कि कोई भी बैंक, मान लीजिए कि कोई भी बैंक, अभी देख सकते हो एक्सिस बैंक या ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक या मान लो कि हमारा SBI बैंक, ये सब ठीक है, बड़े बड़े बैंक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक है, इंदुसेंड बैंक है और IDBI बैंक है, कुछ और IDFC फर्स्ट बैंक है, जो छोटे छोटे बैंक है, उनका दोस्तों शेयर का प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा लुढ़क जा रहा। अब मान लीजिए इनकेस, ठीक है, अगर उनको डूबने का संभावना आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि पहले अगर बैंक डूबता तो केवल आपको जो है 1 लाख रुपया, ठीक है, निकाल के दिया जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ये 1 लाख रुपया नहीं मिलता है तो आप जाके कंप्लेन भी कर सकते हो, यहाँ मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, अब ये रूल को हटा के अब अगर बैंक
मान लीजिए बंद हो जाता है या बैंकरप्सी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है, अगर बैंक को नुकसान होता है तो आप वहाँ से जाके 1 करोड़ रुपीज़ जो है आप जाके वहाँ से फाइल कर सकते हैं और अपना अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आते हैं, उनको छोटे छोटे पैसे 5 या 10 लाख के आसपास ही ज़रूरत होता है, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अपना अगर फिक्स डिपॉजिट भी करवाएं तो वो ले सकते हैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी 1 करोड़ रुपीज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए घर चलाने के लिए तो थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये पैकेज के वजह से दोस्तों बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, और कुछ यही न्यूज़ की वजह से आज के डेट में यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आपको अराउंड जो है को अपर सर्किट देखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2% का अपर सर्किट है, यहाँ पर भी 2% का अपर सर्किट है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम देखते तो दोस्तों 5% का अपर सर्किट देखा जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी 5% का आसपास जो है देखा जा रहा था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम अराउंड 2 या 3 क्लॉक के आसपास, ठीक है, 2 या 3 क्लॉक के आसपास वहाँ पर न्यूज़ जो है अनाउंस किया जा रहा था, किसके द्वारा, तो दोस्तों निर्मला सीतारमन जी के द्वारा में वो न्यूज़ जो है अनाउंस किया जा रहा था। इसी तरह दोस्तों निफ्टी में आपको अच्छा खासा तेज़ी देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ का प्रभाव हटना स्टार्ट हुआ तो सारी स्टॉक में आपको जो है नुकसान फिर से वापस आ चुका है। और कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिनमें आज बहुत लंबी तेजी देखने को मिली दोस्तों, और बहुत बड़ा मतलब कि अच्छा खासा अपर सर्किट भी मारा है, तो NIIT टेक है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अराउंड 17% का अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। उसके बाद एस्कॉर्ट्स है, इसमें भी आपको जो है लगभग 15% के अपर सर्किट देखा जा रहा है। HDFC लाइफ में आपको 14% का अपर सर्किट देखा जा रहा है। तो ये जितने भी स्टॉक है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट जब गिर रहा है तो ये सारे स्टॉक को गिरना पड़ रहा है मजबूरन, ठीक है, ये मजबूरी है उनका। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट अगर अपर सर्किट में जा रहा तो ये सारे स्टॉक अपर सर्किट में ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक गिरावट हो रहा है ये मार्केट की वजह से गिरावट हो रहा है, ठीक है, इसका अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में या किसी भी चीज़ में। हाँ, मार्केट की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी खराब हो रही है तो गिर रहा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी जैसे ही अप आ जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एक और न्यूज़ आपके सामने आ सकता है जिससे मार्केट में और एक बार आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों जीडीपी में आपको रिलीफ दिया जाए, ठीक है, वो भी किसके थ्रू, दोस्तों निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी के थ्रू अगर जीडीपी में रिलीफ दिया जाता है, ऐसा मतलब कि अनाउंसमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा न्यूज़ एग्जीक्यूट होता है तो मार्केट में एक बार और एक बहुत बड़ा बाउंस बैक देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम भी आपको अच्छा से खासा तेज़ी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी यही न्यूज़ के दम पर जो है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है। लेकिन फिर भी अभी आपको क्या करना है, नहीं खरीदना है, चाहे जितना भी टैक्स फाइलिंग के एक्सटेंडेड कर दिया जाए दोस्तों टैक्स फाइल करने के लिए, चाहे जितना भी बिजनेस का रूल इजी कर दिया जाए, एटीएम में चाहे जैसे भी पैसा निकालो, चाहे जो भी निर्मला सीतारमण जी आपको अनाउंस कर दे, लेकिन अभी भारत का इकोनॉमिक में गिरावट हो रहा है और उसके चलते दोस्तों निफ्टी गिरेगा तो सारा स्टॉक गिरेगा, तो अभी आपको कुछ भी खरीदारी नहीं करना है।